रोज मर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में मरे या घर पे मरे। कैंसर तक हो गया लोगों को और टीबी हो गई है, ज्यादातर ये बीमारियां बहुत होती है। सांस की तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, थोड़ी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता लोग, इसलिए कि सांस फूलती है। देखिए लोगों में तरह तरह की तकलीफें हैं, लोगों को तरह तरह के ट्यूमर हो रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, फेफड़े के कैंसर हो रहे हैं और किडनी के कैंसर, किडनी इफेक्टेड है उनकी, उनकी आंखें चली गई हैं और सांस की तकलीफ बहुतायत लोगों को है। सांस, आँख, किडनी और हार्ट, ये सारी जो शिकायतें हो रही हैं, कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, गाल का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, ट्यूमर कैंसर सर का, इससे खतरनाक जो बीमारी हैं, आप वो करते 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 कितनी दवाएं खा लो आप अच्छे नहीं हो रहे, आप सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। परेशानियाँ भाई, हाथ पैरों का दर्द और चल नहीं पाते और सांस चलती है, सभी परेशानियाँ। सांस फूलना, आँखों से आंसू निकलना, आँखें बंद ही नहीं हो रही थी, खांस इतनी चल रही थी कि बस बंद ही नहीं हो रही थी। भैया अभी तो मेरे पूरे हड्डियों में दर्द है और ना मैं उठा सकती हाथ, ना कर सकती कुछ भी, यहाँ तक के खड़े नहीं हो पा रही। किडनियाँ ख़राब हो रही हैं, फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, सांस फूल रही है, आँखें ख़राब हो रही हैं। आज चौथी पीढ़ी लग गई है इसको, मगर चौथी पीढ़ी में भी बच्चे जो 7 साल का 8 साल का, उसको चश्मा चढ़ा हुआ, नज़रें ख़राब हो रही हैं। उस साल के बच्चों में ये बड़े बड़े छाले पैदा हुए, उसी साल जो बच्चे पेट में थे पैदा हुए, मरे मरे सड़े सड़े गले गले पैदा हुए, जो हमें जिया में बर्मियों में रखे। लाख 74,000 कीड़े मकोड़े हैं सरकार के सामने, हम तो खुली किताब है, हमें तो मरना है और जब तक जिंदा है तब तक लड़ना है, दो ही फैसले हैं हमारे। अब चाहे 15 साल कांग्रेस के उठा ले या 15 साल अभी हाल के बीजेपी सरकार के उठा ले, दोनों ने मिलकर गैस पीड़ितों को धोखा दिया है और कंपनियों का साथ दिया है, तो इसमें चाहे वो यूनियन कार्बाइड हो या वो डाउ केमिकल हो, और इसमें मुख्य कारण वही रहा है कि हमारे लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए पूंजी निवेश, विदेशी पूंजी निवेश ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जानें, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सामने, और ये भोपाल उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इस बार जो चुनाव आ रहे हैं, गैस पीड़ितों ने तो ये ठाना है और बहुत जगह हो भी रहा है, अपने घर के आगे उन्होंने पोस्टर लगाए हैं कि वो इस बार लिखवा के लेंगे, और साफ साफ लिखा है जो मुआवजा दिलवाएगा वोट वही ले जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने बहुत बार वादे किए हैं, मतलब भाजपा ने तो लिख के वादे किए हैं कि हर गैस पीड़ित को सही मुआवजा और इंसाफ दिलवाएंगे, पर आज तक वो सिर्फ वादे या जुमले ही रहे हैं। असलियत में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर गैस पीड़ितों को मात्र 25,000 रुपये मिला है पूरी ज़िंदगी की तकलीफ़ों के लिए, और ये कहीं से भी किसी भी मापदंड के अनुसार सही नहीं है। कुछ भी फायदा नहीं हुआ उससे, तो जैसे पैसे आए वैसे उसका पता ही नहीं चला, मतलब वो जितने पैसे मिले 25-25 मिले दो बार, उससे कुछ भी नहीं मिला। दवाएं लेते हैं कुछ फायदा होता, कभी नहीं होता उन दवाओं से भी। अब भारतीय जनता पार्टी का राज है तो भारतीय जनता पार्टी तो और भी गु है। कांग्रेस ने तो किया लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। एक हमारा भोपाल जो था बहुत एक तरह से सुकून में था, मजदूरी करते थे, खाते थे, कमाते थे, रोजगार अपने रोजगार से लगे हुए थे। आज सारी बेरोजगारी फैली, इस लड़ाई के साथ हमारी मांग थी कि हमें रोजगार दिया जाए, हमें सरकार ने रोजगार भी नहीं दिया। सरकार जिसका काम है इनको संचालित करना, वही अगर लचर है तो कैसे काम होगा, हो ही नहीं रहा। ये लोग तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, और ज्यादा इन लोगों ने ऐसा करा है कि लोग परेशानी है, कहीं से रोजगार नहीं मिल रहे हैं, जिसके काम चलते थे उनके काम नहीं बेचारों को हो रहे हैं, इतने परेशान हैं लोग के क्या बताएं। वो जवाब देना तो दूर, वो मेमोरेंडम है कहाँ 25,000 लोगों के, यही अता पता नहीं। 2 साल पहले डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी ने हमसे एक कॉपी मांगी थी, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जो 25,000 मेमोरेंडम लोगों की तरफ से इंडिविजुअल दिए गए उनको आपने मिसिंग कर दिया, जला दिया या कहीं फेंक दिया।
लोगों ने, सिर्फ लोगों की लड़ाई की बदौलत है कि ये लड़ाई आज जिंदा है और मैं और आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये तो पूरा श्रेय जिन लोगों को गैस लगी है, जिन लोगों ने वो भोगा है, वो आज लड़ रहे हैं और उसी की वजह से आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जो चीज़ें जीती वो कोर्ट के जरिए जीती और आज भी हमारा मुकदमा 4th अपील दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लगी है। 1-2 मुकदमे हमारे इलाज के और उसके हाईकोर्ट जबलपुर में चल रहे हैं, जो खारिज कर दिए। बच्चा अगर छोटा है, 18 का नहीं है, इसका क्लेम नहीं बनाया था। और हमने जब 13 दिन के भूख हड़ताल पे बैठे, धरना दिया, जेल भरो आंदोलन की, उसके जरिए 200 रुपये परमिट के नाम पे इनकी पासबुकें बनी, उसमें इनको 200 रुपये ही मिल के रह गए। इनको मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि सरकार ने क्लेम नहीं बनाया। 18 साल का के छोड़ दिया, बच्चा 4 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 18 साल का नहीं है, 15 साल का बच्चे का उन्होंने अलग क्लेम नहीं बनाया था। तो ये बेईमानी तो शुरू से ही है ना। लेकिन नज़रअंदाज की वजह तो ये है कि मल्टीनेशनल का मामला था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने की गरज से ये चाहते ये थे कि मामला दब जाए और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रभावित ना हो, वो भारत को मिलता रहे, प्रदेश को मिलता रहे, भोपाल को, भोपाल में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आए। इसलिए इन्होंने, यूनियन कार्बाइड एक बहुत शक्तिशाली कंपनी थी, इन तमाम वजह से इन्होंने दबाने की कोशिश की। जब भी विदेशी कंपनी, अमरीकी कंपनियों के बारे में बात आती है तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने से बहुत हिचकिचाहट है, उनके बिजनेसेस पर कोई लगाम लगाने में बहुत हिचकिचाहट है और पूरी तरह से वो इसी बात में रहे हैं। चाहे आप वॉरेन एंडरसन के एक्सट्रेडिशन को ले लें, अभी हाल में डाउ केमिकल को बुलाया जा रहा है हमारी देश की अदालत ने, चाहे उसके मामले में लिख लें, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। क्योंकि साफ साफ ये है जो मिसाल है कि कंपनियां आकर हमारे देश में लोगों को मार सकती हैं और हमारी सरकार कंपनियों का साथ देगी, लोगों का नहीं। देखिए, ओल्ड सिटी में था, जाहिर है कि एक बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम आवाम की है, तो ये भी सोच रहा पिछले 15 सालों में काम नहीं करने का कि ज़्यादातर मुस्लिम लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जो मैं समझता हूँ। और जैसा मैंने 15 साल से देखा कि जो हुकूमत है उसने कुछ काम नहीं किया, नहीं के बराबर किया, जो कुछ डंडे से चलता रहा वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के डंडे से मेडिकल केयर का काम चला है, उसके अतिरिक्त कुछ नया नहीं। क्योंकि हम भी आपको वोट देते हैं तो जब ही तो आप कुर्सियों पर बैठते हो, जब हमारे वोट आपको नहीं मिलेंगे तो आप कुर्सी कैसे पालेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो। से ये रहा है कि गैस ओनस गैस पीड़ित पर है कि वो प्रूफ करे कि वो गैस पीड़ित है। शुरू से अगर आप शुरू करेंगे लड़ाई तो जितना ह्यूमिलिएशन कॉम्पनसेशन प्रोसेस में थी, वही ह्यूमिलिएशन आज तक जारी है। डॉक्टरों को लगता है कि लोग बीमारी फेक कर रहे हैं सिर्फ मुआवजे के लिए, ये एक सच्चाई है। और तो सही दवा नहीं मिलना, सही इलाज नहीं हो पाना, आज भी सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए जो लोगों को गैस लगी है वो नहीं है। आज भी लोग जो जहरीला पानी पी रहे हैं उनके ऊपर उनको एक तो साफ पानी पिलाना और उनके स्वास्थ्य पर क्या क्या असर हुए हैं और उनकी बच्चों के ऊपर जो पैदा हो रहे हैं जन्मजात विकृति से, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, जहरीले कचरे को कैसे साफ किया जाए, ये तमाम। और आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग जो बच्चे जो उस वक्त 4 या 5 साल के थे और अब नौजवान हो गए हैं, उसमें से बहुत लोग असमय मर रहे हैं। अगर इलाज सही मिलता तो बच जाती। 14 साल की बेटी थी मेरी तो कैंसर किडनी की प्रॉब्लम से। दूसरा, इसमें से बहुत सारे उस वक्त जो बच्चे थे स्कूल नहीं जा पाए माँ बाप की बीमारियों की वजह से, क्योंकि वो खुद रोजगार करने लगे। अब घर में बच्चे ही थे छोटे छोटे, इन लोगों ने पढ़ाई भी करी और काम भी करा। एक फौजी मारा गया, आपकी हिफाजत करते करते, देश की हिफाजत करते करते उसके परिवार को नौकरी मिलती है, उसको भरपूर पैसा मिलता है, तो क्या यहाँ कीड़े मकोड़े मारे गए हैं? आपकी नज़र में तो हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। आज हॉस्पिटलों में ये हाल है, जो तनख्वाहें नहीं बढ़ाएं तो अच्छे डॉक्टर सब चले गए,
भोपाल हॉस्पिटल में 2-3 डॉक्टर हैं, बस डॉक्टर ही नहीं है। बेड बॉय की कमी, डॉक्टरों की कमी, आयाओं की कमी। कभी शुरू महीने में दवाएं मिलती हैं, आखिर में अगर जाते हैं तो जब दवाएं नहीं मिलती, खत्म हो जाती हैं सब दवाएं। ये कहा जाता है कि शुरू महीने में दवाएं मिलती हैं, अब खत्म हो गई हैं। शुरू महीने में आइएगा, 1-2-4 तारीख से लेके आपको 10-15 तारीख तक अच्छी दवाएं मिलती हैं। देखिए, कुल मिलाकर लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है कंपनसेशन की, उसका निराकरण होना चाहिए और लोगों को मेडिकल ये केयर प्रॉपर मिलनी चाहिए। लोगों का इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन प्रॉपरली होना चाहिए और कंटामिनेशन का जो मामला है वो हल होना चाहिए। ये कहते हैं कि मुआवजा और मिलना चाहिए ताकि अपना कोई बिजनेस करें, कुछ भी करें। कम से कम प्रति व्यक्ति आय के, उसकी जो आय प्रभावित हुई उसके हिसाब से 5-5 लाख रुपये मिनिमम मिलना चाहिए। गैस पीड़ित 5,000 विधवाएं हैं, उनको आज पेंशन नहीं मिल रही। 1,000 रुपये मात्र पेंशन मिलती है, वो नहीं मिल रही। उसके बाद जो विधवाएं 5,000 से ज़्यादा हो गई हैं, कहते हैं उनको पेंशन देंगे ही नहीं। सिर्फ 5 साल तक पेंशन देके उनके पेंशन ख़त्म करने की कोशिश करें। दूसरा, ये क्या एक बहुत बड़ा हादसा नहीं है कि यहाँ पर आज 1 लाख लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं, उसमें से आधा क्षेत्र तो गैस राहत मंत्री का ही है। तीसरा, पुनर्वास के लिए करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है पिछले 8 साल से, पर गैस राहत विभाग ये नहीं ढूंढ पाए कि किस तरह से आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास किया जा सकता है। पर जो जो पैसा खर्च किया जाता है वो किस लिए खर्च किया जाता है? यहाँ पर सुलभ शौचालय बना दिया जाए, यहाँ पर डस्टबिन रख दिए जाए। किसी गैस पीड़ित को सुलभ शौचालय की ज़रूरत नहीं, डस्टबिन की ज़रूरत नहीं है, उनको सही इलाज की ज़रूरत है, उनको साफ पानी की ज़रूरत है, उन्हें सही मुआवजे की ज़रूरत है, उन्हें इंसाफ की ज़रूरत है। तो मंत्री जी जो हैं विश्वास सारंग जी, उन्होंने बहुत बातें करी हैं, पर स्थिति ये है कि आज भी लोगों को सही दवाएँ नहीं मिल रही, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, लोग जहरीला पानी पी रहे हैं और जो कंपनियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं वो खुलेआम इस देश में व्यापार कर रही हैं और हमको ठेंगा दिखा रही हैं।